भाई ना मेरे पे बहुत ज्यादा गुस्सा है भाई, काफी कमेंट भी कर रहे थे राजा भाई। तो गाइस बहुत ज्यादा ठंड है भाई, और यहाँ देख रहे हो बाल्टी वगैरह भाई ने यहाँ लगाई हुई है छोटी छोटी, देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है भाई। यहाँ देख रहे हो ये वाला प्लाई भाई ने लगाई हुई है। वसीम भाई मस्त है गाड़ी है ना, बट पहले बारी कर लेते, बंद बंद कर ले शीशे साटे ना। चलो भाई गाइज अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज सबसे पहले मैं सॉरी बोलूंगा, काफी भाई ना मेरे पे बहुत ज्यादा गुस्सा है भाई, काफी कमेंट भी कर रहे थे राजा भाई अगर व्लॉग नहीं कर सकते कंटिन्यू तो एक काम करो आप चैनल डिलीट कर दो या आपको हम अनसब्सक्राइब कर रहे हैं भाई। दिल से सॉरी यार, कितनी बार बोलूं भाई, आपको पता भी है मुझे घर में प्रॉब्लम्स वगैरह थी। तो एक मंथ हो गया मैं घर पे था और भाई वीडियो मेरी आज से 10 दिन पहले या 12 दिन पहले आपको दिखेगी, ऐसा सीन था कि वीडियो मैंने ऐसे सेव एक रखी थी क्योंकि आपको पता भी है मैं 6 दिन 5 दिन बाद डाल रहा हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ कि राजीव भाई के चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आ रही है। तो भाई अब आ गए वापस, और रात को ही छोटू भाई आया था नागपुर से और भाई के साथ में जम्मू से आ गए श्रीनगर मंडी में। तो रात को मैंने ही गाड़ी ड्राइव की और व्लॉग वगैरह नहीं किया क्योंकि भाई यहाँ पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, आपको पता भी है ना काफ़ी दिनों से यहाँ रोड वगैरह ब्लॉक है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मंडी में, तो मंडी में पहुंचते ही भाई खाना वगैरह खा के दिन को सो गए थे, उसके बाद ना अभी शाम का खाना वगैरह बन रहा था, मैंने सोचा भाई क्यों ना अपना व्लॉग कंटिन्यू कर ही लेते हैं। तो गाइज आज के बाद ना मैं मतलब यही ट्राई करूंगा 30 दिन में 30 व्लॉग डालेंगे डालेंगे। और भाई देख रहे हो अपने साथ है फैजान भाई बनी हाल से, फैजान भाई की गाड़ी भी अंगूर भर के आई, और नेक्स्ट ट्रिप देख रहे हैं मैं और फैजान भाई हम इकट्ठे जाएंगे भाई। यहाँ देख रहे हो छोटू भाई लगा सफर अच्छा, ये 18 साल का मिल गया भाई, ठीक है भाई भी अपने साथ गया था, छोटा भाई है इसका कजन है। तो अभी अपना खाना वगैरह बन रहा है भाई, क्या लाया चिकन? चिकन हाँ भाई, भाई लिया है चिकन, और सॉरी जो भाई चिकन नहीं खा रहे हैं भाई दिल से सॉरी। तो गाइस चलो पहले खाना वगैरह रेडी करते हैं, खाना वगैरह खा लेते हैं क्योंकि अपने मेहमान भी हैं, मेहमान भी हमारे साथ खाएंगे, खाना वगैरह खा के भाई उसके बाद सो जाएंगे और सुबह आपको दिखाएंगे मंडी का नज़ारा। हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस सुबह के 10 बज चुके भाई, अभी आँख खुली, अभी मुंह वगैरह भी नहीं धोया, पहले व्लॉग वगैरह स्टार्ट किया क्योंकि काफ़ी टाइम से व्लॉग वगैरह स्टार्ट नहीं ना किया भाई। तो यहाँ देख रहे भाई छोटू कंबल वगैरह उठा रहे हैं क्योंकि कंबल वगैरह फोल्ड कर लेते हैं, इसके बाद ना हमारी गाड़ी लगेगी अभी अनलोडिंग के लिए क्योंकि गाइज हमारे आगे ना एक गाड़ी थी उसमें 10-15 क्रेट बच गए। भाई ने बोला कि राजा भाई उठो, इसी ने आके उठाया, नहीं तो मैं तो 12 बजे उठता भाई क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा ठंड है और गाइज ठंड की वजह से ना अपनी कमर पूरी पीठ पूरी दर्द कर रही है। तो छोटू भाई चला गया बाहर वो आगे, आओ जी वेलकम वेलकम। आ जाओ जी, जो जो बंदा इस बंदे को पहचान रहा है वो कमेंट करके जरूर बताना। और वसीम भाई ठीक हो इस बंदे ने ना कल प्रॉमिस किया था कि राजा भाई इधर ही पास में इसकी गाड़ी लगी हो कि कल आऊंगा रात को, मैं वेट कर करके रात को 12 बजे सोया और ये बंदा नहीं है, क्या सिचुएशन है बाहर की? पता है गाड़ी में कोई नहीं था, ठंड है, ठंड बहुत है। चलो भाई पहले मुँह धो लेते हैं फिर चलते हैं चाय वगैरह पीते हैं। दिन के 12:30 बज चुके हैं भाई, अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, अभी लेट ही की भाई, और देख रहे हो कुछ सब्सक्राइबर भाई आए मिलने, और यहाँ देख रहे हो भाई क्या हाल है, आप ठीक हो? बड़े फैन है आप, सारी वीडियो देखते हो? हाँ, कैसी लगती है? बस बढ़िया लगती है, इसलिए मिलने के लिए आ गए थे। कहाँ से? अनंतनाग से? कहाँ से? अभी हम करीबन यहाँ से 70 किलोमीटर आ गए। किससे आए आप? मैं ऑटो रिक्शा से। बढ़िया टाइम, सुबह में निकला था 7 बजे और भाई 12 बजे यहाँ पे। तो गाड़ी कैसे लगी हमारी? गाड़ी तो बढ़िया लग रही है। बढ़िया लगी? क्या लिखे यहाँ ट्रेनिंग? ये क्या है? ये बाज है, बाज 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 किसी के हाथ नहीं आता। अच्छा इसलिए तू भी बाज है? हाँ मैं भी बाज। अच्छा अभी तो तुम लग गए मेरे हाथ अब। तो वसीम भाई की गाड़ी भी यहाँ खाली हो रही है, और अपनी भी भाई भर के आया राजस्थान से, ये भी संतरा भर के आया। ये देखो भाई ये सारी कॉपी करता है, कुछ तो शर्म कर यार, मैं भी संतरा भर के आया, तू भी है। बड़े भाई है, बड़े भाई की इज्जत तो करनी चाहिए, मतलब इनके पीछे पीछे यार। अपने भाई क्या नाम है आपका? जुनैद। जुनैद भाई घूमने आए थे? हाँ जी घूमने आए थे। कैसा लगा सफर? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ जी अपने जम्मू वाले भाई, आपने भी संतरा भरा? हाँ संतरा, संतरा। बस संतरे पे जाओ भाई, आज ना बाहर से रेट थोड़ा अच्छा आ रहा है तो तभी सारी गाड़ियां संतरा केले अंगूर पे, डिमांड ज्यादा है, डिमांड उधर से ज्यादा है लेकिन इधर से कुछ नहीं है। और भाई यहाँ देख रहे हो मंडी में ना आज रश है बहुत ज्यादा है, तो अभी अपनी गाड़ी अनलोडिंग पे लगी नहीं भाई, देख रहे हो रसा दरपाल वगैरह उठा लिया, अपनी गाड़ी में भी हाइट नहीं है। तो भाई की गाड़ी वसीम भाई की गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है इस बार इकट्ठे जाएंगे ना? हाँ इस बार इकट्ठे जाएंगे भाई, एक ट्रिप इकट्ठे बनता ही बनता है भाई, क्योंकि ये बंदा ना गाड़ी पहने भैया भाग जाएगा, इसलिए मैं इसको पकड़ के रखूँ। ठीक है ऑटो लेके आओगे या गाड़ी? जो आप बोलोगे, फिलहाल तो जहाज। तो भाई अपनी गाड़ी के ना बस यही बेनिफिट है, देख रहे हाइट वगैरह कुछ नहीं है, तो अभी पाइप वगैरह भी काटनी है ऊपर वाली, उसके बाद देखते हैं भाई पहले लंच वगैरह कर लें, गाड़ी वगैरह लगा लें, गाड़ी अनलोड करके फिर नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का होगा
ये कमेंट करने के लिए नहीं बोलूंगा यार, क्योंकि काफी भैया आजकल बोल रहे हैं कमेंट करो, काफी कर रहे हैं कमेंट करो कहाँ जाना है। बड़ी हाली हो चुकी है भाई, और यहाँ देख रहे हो बच्चे अंगूर खा रहे हैं, मीठे हैं, क्या करे, कल से भूखा था इसने खाना ही नहीं खाया। तो अपनी गाड़ी ना वहाँ से निकाल के यहाँ पे लगानी है, क्योंकि अपनी गाड़ी की अनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। बाइक की गाड़ी में अंगूर थे और अंगूर वगैरह हमने ले लिए यहाँ से। तो ये रही बाइक की गाड़ी, सबसे अच्छा नंबर है भाई JK14, कोई रोकेगा नहीं, कोई कुछ नहीं, यही है ना भाई। हाँ ये रही बाइक की गाड़ी, देख रहे हो इस गाड़ी को तो काफ़ी भाई जानते होंगे, क्योंकि पहले भी शायद किसी ने वीडियो डाली है ना। आगे से दिखा, आगे से। ओए होए होए, ये डंडा, ये वसीम की तरह भाई, मान लो ये वसीम, राजा वसीम है और ये मैं हूँ, हाइट के हिसाब से बराबर बराबर है ना। हाँ देख रहे भाई ये 14 बाइक की गाड़ी, और ये कपड़ा वगैरह भाई ने डाला हुआ क्योंकि ठंड वगैरह नहीं, और इसका कलर देख रहे हो शो, ये वाली ये मतलब वाइट थी भाई ने ये वाला करवाया, तो ये वाला पेंट भी अच्छा है भाई, लेकिन हमने तो वाइट ही रखनी है। और वसीम भाई सुजेस्ट करो यार, अगर गाड़ी में बम्पर चेंज, ये वाला कलर चेंज करूँ मैं अपनी गाड़ी का, आ गया अपना बादशाह, अगर ये वाला चेंज करूँगा कौन सा कलर करूँ? इसमें तो यही रहता है, जब सफ़ेद शो होता है ना उसमें यही रहता है, ठीक है। अब आम हो गया ना भाई, अब काफ़ी भाइयों को पता नहीं चल रहा राजा भाई की गाड़ी कौन सी, बस आप कमेंट कर देना वहाँ पे क्या अच्छा लगेगा कौन सा। हाँ कमेंट करके बोलो कौन सा कलर करना चाहिए हमें अपनी गाड़ी में, वही करवाएंगे। व्हील कप भी गिर गए, और भाई छोटू भाई ने न्यू टायर दो फ्रंट वाले लगो भी दिखाएंगे आपको, नए डाले भाई ने, तो व्हील कप अगर गाड़ी में नहीं होने तो गाड़ी, व्हील कप के अलावा जचती नहीं है गाड़ी, तो डालने वाइट ही है, क्योंकि काफ़ी भाई बोलते हैं ना भाई स्टील वाले डालो, स्टील वाला ऐसा सीन है भाई वो खराब, मतलब बाद में ना खराब हो जाती है और आवाज़ करना स्टार्ट कर देती है। गाड़ी की हालत अभी आप देख सकते हैं, मतलब क्या कुछ हाल रहता है जब जम्मू कश्मीर आती है गाड़ी। हाँ भाई जब जम्मू कश्मीर आती है ये हालत होती है, कीचड़ देख रहे हो, खासकर कश्मीर जब आती है तो, क्योंकि रोड भी ऐसी है ना भाई, क्या ही करेंगे रोड ही ऐसी है। चलो भाई हो गया, चलो भाई, तो भाई यही ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी कि अपनी गाड़ी जल्दी खाली हो जाए, जल्दी हो जाएगी ना फिर आ रहे हैं हम महाराष्ट्र में, काफ़ी भाई महाराष्ट्र से फ़ोन कर रहे हैं, राजा भाई आपने हमारा महाराष्ट्र ही छोड़ दिया भाई, ऐसा सीन नहीं है, बस प्रॉब्लम थी कुछ घर पे, तो अब कंटिन्यू अगट्ठे ही भागेंगे भाई, जहाँ भी जाना है अगट्ठे जाएंगे, देखेंगे भाई क्या घर का भी हाल देखना पड़ता है क्या, माँ बाप इंपॉर्टेंट है भाई, सीधी बात माँ बाप है, प्रेशर की पाइप फटी है ना हमारी गाड़ी की, हसन भाई बोल रहे हैं क्योंकि प्रेशर ही डाउन भाई, ऐसा सीन अपनी गाड़ी की ना कोई प्रेशर की वाइप फट गई है, तो वो करवाएंगे भाई, ठीक है। तो गाइस ये चीज़ चेक कर रहे हो भाई ने, ये वाली चीज़ें नहीं लगाई हैं, बट ये ना उड़ जाती है भाई, इस रोड पे नहीं चलने वाली ये चीज़ें, देख रहे हो भाई ने डबल टंकी भी की है, यहाँ एक टंकी है यूरिया की टंकी और तेल वाली यहाँ, देख रहे हो बराबर, हम भी ये वाला फटा बनाएंगे, क्योंकि भाई इसमें ना ये उतार के नहीं, यहाँ कुछ और लिखेंगे या कुछ ऐसा लिखाएंगे या कुछ भी लिखाएंगे अच्छी सी चीज़ सोच के, आपको पता है आपका भाई यूनिक करता है, कॉपी नहीं करता, तो अंदर से गाड़ी दिखा देते हैं भाई की। चलो जी आगे आ जाओ, आपकी गाड़ी बनती है अंदर से दिखाना, क्योंकि बाहर से जो कलर है वही भाई ने अंदर से भी किया, देख रहे हो ये वाला प्लाई भाई ने लगाई हुई है। वसीम भाई मस्त है गाड़ी है ना, बट सफाई रखना बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस गाड़ी में, देख रहे हो भाई ने स्टील फिर भी चमका के रखा हुआ है सर, देख रहे हो आजकल ना ये वाला जो माइका आ रहा है ना फूल शूल में, वो ओरिजिनल नहीं आ रहा है, जो पहले आ गया आ गया, क्योंकि आजकल इस पर लेमिनेशन होती है, अगर पॉलिश वगैरह करोगे तो ये उखड़ जाएगा सर, देख भाई ने क्या क्या किया माशाल्लाह, वाह क्या बात, ये पूरी ब्लू करके रखी हुई है ना, अच्छी लग रही है। स्टीयरिंग वगैरह आपने नया स्टीयरिंग क्यों नहीं डाला? नहीं नहीं वो नहीं डालना, उससे ठीक नहीं रहता है, ओरिजिनल नहीं ना आजकल, मेरी गाड़ी में तो वो ओरिजिनल आया ना बिल्कुल, और ये देख रहे हॉर्न का यहाँ लगाया हुआ, यहाँ खराब हो गया क्या? नहीं नहीं यहाँ खराब हो गया, प्रेशर हॉर्न यहाँ लगाई है, क्या बात है भाई क्या बात है, मस्त गाड़ी है। अब इस पे एक अगट्ठी सफर करेंगे ना तो पता चलेगा भाई, तो बाकी मैं कभी गुजरात में नहीं गया भाई, मैंने एक पॉडकास्ट भी किया उसमें भी मैंने बोला कि असम नहीं गया, लेकिन मुझे याद नहीं रहा सॉरी, मैं गुजरात भी नहीं गया, गुजरात भाई के साथ जाएंगे, कोई बात नहीं आ जाना मेरे साथ, और ये वाला ट्रिप पता नहीं अगट्ठे हो रहा है कहाँ हो रहा है ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ से लोडिंग मिलना ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आज आज देख रहे हैं ना आपकी गाड़ी, बस इनकी तो हाली होगी हमारी रह गई भाई। तो गाइस यहाँ आ चुके हैं हम कुछ सामान लेने, क्या लेना है देखिए ना, ये लेके ये आंखें, हाँ तेरे लिए, आंखें तेरे लिए, नहीं 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 देख रहे भाई अपनी पसंद तो ये है भाई घोड़ो, ये लेंगे ये बढ़िया है ना, ये तो बढ़िया, बाजू पे बना लेते हैं, अगर दवाई का उधर से बन गया तो ठीक है, वेल एंड गुड, कुछ सामान लेना था लेकिन वो चीज़ मिलेगी नहीं, वो नहीं मिलेगी, देखो मगर प्यार से, नहीं नहीं देखो मगर प्यार से नहीं मिल रहा, चेक कर रहे हैं भाई रश, अभी जा रहे हैं मुदस्सर भाई से मिलके, मुदस्सर भाई से मिलके ना फिर उसके बाद अपनी गाड़ी की अभी बात चल रही है, भाई ने बोला कि क्या पता आपकी गाड़ी आज ही छोड़ दें। तो गाइस दिन के 1:30 बज चुके हैं भाई, और आ गए अपने भाइयों के पास, क्योंकि यहाँ प्रॉमिस करके गया था कि खाना आपके पास ही खाऊंगा, ठीक है खाना वगैरह खा लेते भाई, उसके बाद आपकी गाड़ी हो गई? हाँ हो गई।
हमारी गाड़ी की भी बात चल रही है, अभी भाई ने बोला कि हम खाना खा के आपकी गाड़ी पूरी अनलोड करेंगे भाई, ये भी अच्छी बात हुई। तो अब देखेंगे माल यहाँ से सीधा सोत का ही जाना, तो सोत ही है भाई। तो चलो पहले खाना वगैरह खा लेते हैं। क्या की गाड़ी, ये वाला कलर ना अच्छा है ना वसीम भाई, ये वाला बोर्ड भी। और यहाँ भाई ने पता नहीं कहा ये कहाँ छोड़ा। ओ ये भी है ही नहीं। यूरिया अस्सलाम वालेकुम। ये रहे राजा रमीज की गाड़ी भाई। ओ हो बुला बुला कर, क्या हाल है आपके? बढ़िया। क्या हाल है? ठीक हो? ठीक ठाक, ठीक हो? अब खैरियत से ठीक। कौन कौन गया था गाड़ी लेके? माशाल्लाह आगे अपनी गाड़ी के अंदर भाई देख रहे हो, ये रही अपनी गाड़ी। खोलना नहीं, निकालना है पीछे। ये रही अपनी गाड़ी भाई देख रहे हो। ओए होए होए, ये गाड़ी पूरी ना मेरी मर्जी से बनी हुई है, बस है ना, ऐसा ही है ना गाड़ी, ये सारी सजेशन मैंने की थी। तो आगे मुदस्सर भाई के पास काफी टाइम से, कितने टाइम बाद मिल रहे हैं? तकरीबन एक महीने दो महीने के बाद। एक दो महीने भाई। और भाई ये ना, ये भाई ने बड़ी अच्छी चीज लगाई है, देख रहे हो पूरी सेटिंग क्या बात है। यहाँ एक लाइट सी इंस्टॉल कर दो यहाँ नीचे। तो बाकी भाई गाड़ी दिखाएंगे फुल गाड़ी, मतलब यही गाड़ी है जो अब मेरे भाई की गाड़ी है। देखो हमारे इन्हीं की गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है राजा रमीज ब्लॉग्स। तो काफी भाई ना बोलते हैं राजा भाई आपकी गाड़ी वहाँ देखी थी, ये भी मेरी ही गाड़ी है भाई, आपकी गाड़ी वहाँ देखी थी, आप रुके नहीं। दरअसल मदसर भाई होता है या बिलाल होता है तो गाड़ी फिर पता ही नहीं चलता ना, और आपको पता भी कच्चे माल पर गाड़ी वो चला के ना फिर बंदा ना रुकता ही नहीं है। कहते भाई फ़ोन लेने और यहाँ सीन नहीं बना, क्योंकि भाई ने बोला अभी नए फोन अवेलेबल नहीं है। और कौन सा था, 15 प्रो मैक्स? हाँ। तो सोचा भाई 14 प्रो मैक्स तो चल रहा है, लेटेस्ट चल रहा है, 15 प्रो मैक्स तो वही लेंगे भाई, देख रहे हैं अभी। तो बाकी चलो यहाँ से निकल लेंगे अब सीधा गाड़ी के पास, क्योंकि मुदस्सर भाई को भी शायद काम जाना हो। जाना कहीं पे? फुल डे मेरे साथ फिर? हाँ। फिर आओ रात को ही थोड़ा कश्मीर सिटी घूम लेते हैं। वसीम भाई की गाड़ी खाली हुई थी, आपने जाना है? अभी देखते हैं क्या कुछ हाल रहेगा वहाँ पे। अब कहाँ है? उधर लाल चौक? नहीं नहीं अभी चलते हैं ना गाड़ी के पास। तो गाइस चलो गाड़ी के पास चलते हैं, देखते हैं अपनी गाड़ी कितनी खाली हुई। कुछ नहीं, चाय वाय पियेंगे कहीं पे। आ चुके हैं भाई मंडी में, मंडी में पहुंच चुके हैं गाड़ी यहाँ कर ली पार्क। और भाई वसीम भाई ठीक है, अल्लाह हाफिज़, जा रहे हैं, इतनी मुलाकात थी। अभी मैं जा रहा हूँ, मिलेंगे जल्दी, क्योंकि अभी मैं जाऊँगा रात को घर, अगर आप नहीं 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 अभी पता क्या सीन है, देख गाड़ी खाली होगी उसके बाद मैं फोन कर दूंगा तो जाएंगे बाहर। ठीक है मुदस्सर भाई तो नहीं जाएगा अभी, इनकी गाड़ी मुझे ही लेके जानी पड़ेगी। सॉरी मुदस्सर भाई की गाड़ी में चल रहा हूँ अभी, वहाँ उनकी गाड़ी भी नहीं खाली हुई, मेरी भी नहीं होगी मुदस्सर भाई। कल तो हो जाएगी दोनों, कल मेरी उसने बोला आज ही कर देंगे। तो अभी माल देखते हैं कहाँ का लोड करेंगे, कहाँ हो चुकी है शाम भाई। अब टाइम आ चुका है मुदस्सर भाई को भी बाय बोलने का, क्योंकि फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, तभी भाई गाड़ी के साथ भी नहीं आ रहा है ना। तो अगर ट्रिप करेंगे भाई अभी, और वो रही अपनी गाड़ी, बिलाल चला रहा है अभी गाड़ी। ठीक है बिलाल भाई इसको पैक करो, सुबह खाली होगी ना, सुबह खाली होगी। तो मुदस्सर भाई की ये रही गाड़ी भाई, अभी मुझे अपनी गाड़ी के पास ड्रॉप करेंगे, उसके बाद ना उसकी गाड़ी भी खाली हो जाएगी तो हम इकट्ठे ही जाएंगे भाई। तो आपको दिखाएंगे भाई कौन सी गाड़ी के पीछे कौन सा नाम है कौन सी नहीं। तो चल शुक्रिया शुक्रिया चल। तो गैस शाम के 6 बज चुके हैं भाई, और हम आ गए अपने बादशाह के पास। टोपी वगैरह भी डाल ली क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा ठंड है। तो छोटू भाई ने ना अंदर से गाड़ी ला के यहाँ रख दी, क्योंकि भाई पूरी गाड़ी खाली हो चुकी है मेरे ख्याल में। चलो गाड़ी वगैरह अंदर से देख लेते हैं खाली हुई है या नहीं। भाई देख रहे हो, सोचा ही नहीं था अपनी गाड़ी इतनी जल्दी खाली हो जाएगी, गाड़ी वगैरह खाली हो चुकी है। अब छोटू भाई जहाँ बोलेंगे वहीं जाना है, और आगे अपने नहीं भाई अब खैरियत है ठीक है भाई। ऐसा सीन हो गया ना अपनी नहीं भाई, अपनी गाड़ी का ना टायर पंचर वगैरह लगा रहे थे तो टायर ना एकदम ब्लास्ट हो गया और भाई की आइज में प्रॉब्लम हो गई। तो काफ़ी टाइम से मुझे नहीं पता था, मैं भी एक्चुअली मम्मा के साथ थोड़ा हॉस्पिटल में था, तो एक दिन अचानक फ़ोन किया तो तब मुझे पता चला। तो अभी ये जा रहा है जम्मू में, तो चलो देखते हैं क्या पता मैं भी साथ साथ चला जाऊँ इसकी। अपनी गाड़ी यहाँ पे है, नहीं भाई की गाड़ी भी आ गया है, चले आपकी गाड़ी भी दिखाएंगे। और भाई के पास ना गाड़ी कौन सा मॉडल है जज करके बताएगा, जो भाई नहीं भाई को जानते हैं उनको तो पता होगा। मैं इनकी गाड़ी दिखा देता हूँ बस, नंबर वगैरह मतलब देख के नहीं दिखा बोलना, बाकी बताना क्या गाड़ी का मॉडल कौन सा है ठीक है। तो गैस ये रही भाई की गाड़ी, यहाँ देख रहे हो भाई 12 टायर गाड़ी, और यहाँ देख रहे हो देख रहे ये वाला टायर देख रहे हो भाई, यही ब्लास्ट हुआ था भाई, ये वाला टायर देख रहे हो लेना पड़ा तो। देखो मतलब कोई ऑप्शन नहीं था भाई के पास, कोई टायर ही नहीं मिल रहा था, रास्ते में ऐसा हुआ सीन, ये वाला टायर ब्लास्ट हुआ और भाई की आँख वाँख। तभी मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ ना कि अगर टायर वगैरह कुछ करवा रहे हो ना भाई, टायर वगैरह पंचर टायर में हवा वगैरह भरवा रहे हो ना, तो ऐसा सीन मत करो कि वहाँ पास में बैठो। देखो एकदम ब्लास्ट हो गया, कितना शुक्र है कि ये बच गया। और ये रही गाड़ी भाई देख रहे हो, एक नंबर। इस गाड़ी से ना इसको इतना प्यार है ना, इतना प्यार है ना, यह अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक देख रहे हो नाम। तो भाई सी भाई को गाड़ी से इतना प्यार है ना भाई, जिसका कोई हिसाब नहीं, देख रहे हो। और कमेंट करके बताओ ये वाली गाड़ी कौन सा मॉडल है भाई ठीक है। वो एक नंबर भाई गाड़ी मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो बाकी यही चीज़ सजेस्ट करूँगा, अगर टायर में हवा वगैरह भरते हो ना तो पास में मत बैठा करो भाई। देख रहे हो सारी गाड़ी, नहीं भाई मुझे लगता है खुल गया। बाय बाय, कोई बात नहीं, ज़रूर ज़रूर मिलेंगे।
आता हूँ मेरी गाड़ी में ना ये वाली बारी हो, देख रहे हो भाई, इसमें ना मानता हूँ धूल वूल जाती है, सुरक्षा की बात की जाए तो चलो जब रब ने लिखा हो तब तो होना ही होना है। और यहाँ देख रहे हो बाल्टी वगैरह भाई ने यहाँ लगाई हुई है छोटी छोटी, देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है भाई। अब लॉक करेंगे यहाँ से और जाएंगे वहाँ चाय वाय पीने, फिर उसके बाद भाई भी निकलेगा। देख रहे हो ये वाली चीज़ें, ये वाली भी बांधेंगे भाई, ये वाली भी बांधेंगे, वो वाली भी बांधेंगे, बस गाड़ी चेंज हो जाएगी अपनी, थोड़ा सा टाइम चाहिए भाई। मतलब अगस्त में तो मैं जाऊंगा कहीं फॉरेन ट्रिप करने भाई, तो उससे पहले ना मैं गाड़ी चेंज करके छोटू भाई को दे के फिर जाऊंगा यहाँ से घूम। तो गाइस रात हो चुकी है और रात के बज चुके हैं 8 और यहाँ देख रहे अपनी गाड़ी की सफाई वगैरह चल रही है, मिरर वगैरह साफ करें और हम निकल रहे हैं यहाँ से सीधा भाई कनवाई के लिए, क्योंकि आज कनवाई लगी है। और यहाँ देख रहे भाई चले फैजान चले, ठंड लगी है ठीक है, मैं नई भाई के साथ जाऊँगा क्योंकि ये अकेला, ये दो, ये भी दो हो जाएंगे। तो काफ़ी भाई पूछेंगे ना ये वाला छोटू कौन सा क्या है, ये छोटू भाई अपने छोटू का कज़न, ये छोटू आपका कज़न है ना, मेरा कज़न है ये वैसा इंसान थोड़ी है, देखो रात के टाइम में भी शीशे साफ कर रहा है। ये ना कि ये भी घर जाके उधर बोले कि मुझे ये नहीं किया वो नहीं किया, नहीं ये नमक हराम नहीं होते, वो किसी के खून में ही होता है। हाँ ये बात सही बात, नमक हरामी नहीं करनी चाहिए। फैजान है ना, आप चलोगे ना आगे? हाँ तो सब्जी जहाँ दिखेगी वहाँ रुकना, रुके रुकेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ फैजान, हाँ जी चले, वो देखो आ रहा है वो देखो। चलो भाई आज नईम भाई की गाड़ी में ना फर्स्ट टाइम बैठ रहा हूँ, ठीक है जुनैद भाई आ जाओ साथ साथ आ जाओ। चलो भाई ने अपने कपड़ा वगैरह गाड़ी में डाल लिया क्योंकि आगे ना फोन वगैरह बहुत है भाई। तो आ चुके हैं भाई की गाड़ी में, पहले बारी कर लेते हैं, बंद कर ले शीशे साटे ना। चलो भाई डोर कर लिया बंद, आप भाई चलाएगा गाड़ी और मैं रहूँगा यहाँ पे बैठ के मस्त, ठीक है चलो भाई। ओए होए होए यहाँ देख रहे हो भाई ये वाली लाइट बहुत ज़्यादा प्यारी, मैंने इस साइड नहीं डाली लेकिन इस साइड डालूंगा बाकी। ओए होए होए हो क्या बात है भाई, क्या बात है, एक नंबर भाई एक नंबर। चलो बाकी सुबह दिखाएंगे नईम और भाई, और नईम भाई रात को इकट्ठी है ना। तो गाइस बहुत ज़्यादा ठंड है भाई और अभी रात के 10:30 बजने वाले हैं। तो हम पहुंच चुके हैं बनिहाल टनल के पास, लाइफ में ना फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि काजीकुंड सिटी में ना कोई नाका वगैरह कुछ नहीं था, तो वहां से हम तीनों भाई भाग के आ गए, मतलब दो भाई एक तीसरी गाड़ी थी जुनैद भाई की तो वो तो चली गई मेन टनल पर, ऊपर हाईवे से गए हम नीचे से आगे। तो अभी एक जगह आके रुक के मेन हाईवे पर नहीं चढ़े भाई, क्योंकि वहाँ ऐसा सीन था ना गाड़ियों का बहुत ज़्यादा रश, आपको पता भी जब कनवाई लगती है ना तो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं। और ये एक्सपीरियंस हमारा होने वाला है कितने महीने बाद, चार पाँच महीने हमने कनवाई नहीं देखी, ये देख रहे हैं भाई फर्स्ट टाइम कनवाई। तो सुबह दिखाएंगे कनवाई का नज़ारा, उससे पहले छोटू भाई को बोलते हैं बाय, क्योंकि छोटू भाई ने जाना है घर पे, घर भी पास में है, तो मैं एक महीने से घर पे ही बैठा हुआ था, तो भाई को आज मौका देंगे, भाई अभी चला जाएगा, छोटा भाई आएगा लेने इसको, तो वो गाड़ी लेके आ जाए, फिर इसको बोलेंगे अलविदा। तो कब मिलेंगे, चार दिन बाद ये जब खाना छोड़ेंगे उस टाइम भाई, देख रहे हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जाना है, तो बोल रहा है 4-5 दिन के बाद ही आना है। तो चलो देखते हैं भाई सुबह क्या सीन रहता है, सुबह दिखाएंगे, इधर बर्फ वगैरह भी थोड़ी थोड़ी पड़ी हुई है तो अभी ठंड है। और अभी आए हैं नईम भाई की गाड़ी में, खाना वगैरह यहीं रेडी होगा भाई, देख रहे हो यहाँ रेडी हो रहा है खाना वगैरह, पहले खाना वगैरह खा लेते हैं उसके बाद भाई सो जाएंगे और मिलेंगे इसी कंटिन्यू व्लॉग में सुबह, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।